सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो होने वाला है एक वेजिटेरियन फूड डे ऑफ ईटिंग। मैं ये मेनली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं एंड उन्हें अपना प्रोटीन गोल हिट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड आज के टोटल कैलोरीज होने वाले हैं 2500, विच आर माई मेंटेनेंस कैलोरीज। इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मील, और यू कैन से प्री वर्कआउट मील। तो मेरा प्री वर्कआउट मील काफ़ी सिंपल होता है। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद पीनट बटर, 1 बनाना एंड 1 ब्लैक कॉफी। एंड इसके कैलोरीज एंड मैक्रोज मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। एंड यूजुअली मैं यही मील खा के जिम जाता हूँ क्योंकि ये काफी सिंपल एंड इजी है। सो आई विल सी यू गाइस आफ्टर द जिम। सो आई एम बैक होम फ्रॉम द जिम एंड अभी हम लोग बनाने वाले हैं पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक। सो प्रोटीन शेक को बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ पहले 100 ग्राम ओट्स, एंड फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं 5 to 6 आलमंड्स। एंड इसे हम लोग पहले ग्राइंड करने वाले हैं एंड इसका एक पाउडर फॉर्म बनाना है। एंड इसका हम लोग पाउडर फॉर्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये पीने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। जस्ट लाइक दिस। एंड फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 बनाना एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। एंड अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। एंड द लास्ट स्टेप, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 400 ml ऑफ वाटर। एंड आप कभी भी अगर पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पी रहे हो तो प्लीज उसे पानी में ही कंज्यूम करना क्योंकि हमें चाहिए क्विक एब्जॉर्प्शन। And that's it. And it's done. सो फ्रॉम पास्ट 2-3 वीक्स मैं यही प्रोटीन शेक बना रहा हूँ इन माई पोस्ट वर्कआउट एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट है। सो इसलिए मैंने एक सॉलिड मिल्क की जगह पे इसे रिप्लेस किया। सो आई विल एंजॉय दिस एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मील। सो इट्स टाइम फॉर अ नेक्स्ट मील, बट वो बनाने से पहले मैंने यहाँ पर 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स को हॉट वाटर में भिगो के रखा है क्योंकि ये हमें रात को यूज़ करने हैं। एंड अभी मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट मील। इसे क्या कहते हैं दैट आई डोंट नो, बट आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो ये मील बनाने के लिए मैंने लिए है 40 ग्राम्स ऑफ चिक पीज एंड इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं टोमेटो, क्यूकुम्बर एंड 1 होल चॉप ऑनियन। एंड जस्ट फॉर टेस्ट मैं थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करने वाला हूँ। दैट्स इट। सो फर्स्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 चॉप ऑनियन एंड देन इसमें ऐड करने वाला हूँ 1 चॉप क्यूकुम्बर एंड देन हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 चॉप टोमेटो। एंड अभी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ थोड़ा सा सॉल्ट एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड फिर मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ थोड़ा सा लाइम जूस। एंड नाउ द लास्ट थिंग, ये है 40 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चना एंड ये सब को हम लोग मिक्स करने वाले हैं एंड आवर मील इज रेडी। एंड इसके भी कैलोरीज एंड मैक्रोज मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा, इसे ज़रूर ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी मैं ये खाता हूँ मील एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। बाय द वे मैं एक बात बताना भूल गया कि चिकपीस जो मैंने यूज़ किए थे वो कल रात को मैंने पानी में सोक करने के लिए रखे थे एंड सुबह मैंने उन्हें बॉइल किया था। सो हे गाइस, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट मील एंड नेक्स्ट मील में मैं खाने वाला हूँ पनीर।
सो उसके लिए मैंने लिया है 100 grams ऑफ दही. सो ये है 100 grams ऑफ दही एंड इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी, जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर, दैट्स इट. एंड आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो. एंड फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं ये पनीर, दिस इज़ 80 grams ऑफ पनीर. एंड फिर ऐड करने वाले हैं 1 whole कैप्सिकम एंड 1 whole चॉप्ड ऑनियन. सो फर्स्ट इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्ट एंड फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ रेड चिली पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी. थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड देन थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड लास्ट कोरिएंडर पाउडर. एंड अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं एंड देन इसमें ऐड करने वाले हैं ऑनियन, कैप्सिकम एंड पनीर. सो अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ऑनियन एंड कैप्सिकम एंड इसके बाद ऐड कर रहा हूँ पनीर एंड अभी इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. सो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है एंड अभी इसे मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही ढक के रखने वाला हूँ सो दैट पनीर अच्छे से इस बैटर को सोक करे. सो आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स आपको एक पैन गरम करना है एंड इसके नीचे मैं सिर्फ थोड़ा सा ऑयल की ब्रशिंग करने वाला हूँ एंड देन उस पनीर को इसके अंदर डालने वाला हूँ. एंड अभी से तब तक कुक करना है जब तक ये पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाता. सो हमारा पनीर अच्छे से ड्राई हो चुका है एंड इट्स डन. ये पनीर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करना है, हाईली रिकमेंड. बाय द वे मुझे ये रेसिपी मेरे भाई सोहन ने मुझे बताई है सो अ बिग शाउट आउट टू हिम. सो अभी मैं एंजॉय करता हूँ ये मील एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मील. सो इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट मील विच इज 60 grams ऑफ सोया एंड 100 grams ऑफ बेसन के चीले. सो दीज आर 60 grams ऑफ सोया एंड इसमें से मैंने पानी पूरा निकाल लिया है. इसको मैंने पहले भी अपने फुल डे ऑफ फिटिंग में दिखाया है सो वापस एक बार दिखा देता हूँ. सो फर्स्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला एंड फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ थोड़ा सा केचप, इसके बाद थोड़ा सा रेड चिली सॉस एंड थोड़ा सा सोया सॉस. दैट्स इट एंड इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ऑल्सो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ एंड फिर इसे हम लोग इसका लिड बंद करके इसे क्लोज कर देंगे. एंड इसके ऊपर लिड सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए रखने वाला हूँ एंड आर सोया इज डन. सो आर सोया चंक्स इज रेडी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बेसन के चीले. सो बेसन के चीलों के लिए हम लोग ने पहले 100 grams बेसन ले लिया एंड इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, देन थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर. फिर इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं ऑनियन, ये एक 1 full ऑनियन है एंड फिर थोड़े से कोरिएंडर एंड अभी हम लोग इसमें पानी डाल के इसको पूरी तरह से मिक्स करने वाले हैं. बाय द वे इसे मैंने मेरी मॉम प्रिपेयर कर रही है सो बिग शाउट आउट टू हर. एंड इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करना है. तो मैं ये पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करने वाला हूँ एंड फिर उस बैटर को एक पैन पे हम लोग ऐड करना है. सो इसे हम लोग 3 से 4 मिनट अच्छे से ढक के रखने वाले हैं सो दैट ये प्रॉपरली कुक हो जाए एंड फिर इसे टर्न करेंगे.
And this is ready. By the way, इसके साथ मैंने टोमेटो केचप लिया है. So done with all the meals. इन मील्स को ज़रूर ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसे लगे. ऑल्सो मैं टोटल कैलोरीज एंड मैक्रोज यहाँ स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगा. तो वीडियो यही तक था. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करना अपने थॉट्स. एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.